जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एग्जाम को लेकर आप लोग बहुत चिंतित हैं कि आपके जो एग्जाम है वो होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो फिर कब से स्टार्ट होंगे, होंगे तो किस मोड में होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन होंगे तो किस तरीके से होंगे, कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो इस टाइप के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो साथियों, यदि आप भी जानने चाहते हैं अपने एग्जाम के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो का अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो साथियों, बात करते हैं एग्जाम की, जो आपके ऑड सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। जिनके आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी जो फॉर्म की फिल की डेट है उसको एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। पहले 17 जनवरी थी लास्ट डेट, अब उसको 24 तारीख कर दिया गया है। 24 तारीख तक आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि किसी कारण से नहीं कर पाए हैं। अब बात करते हैं साथियों एग्जाम की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कॉलेजों को लेटर भेजे जा रहे हैं या बातचीत चल रही है, तो आपके जो एग्जाम है वो आपके फरवरी में कराए जाएंगे। आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, क्योंकि इस बार जो कोरोना है, कोरोना संक्रमण है ये मानते हैं, लेकिन जो कोरोना संक्रमण का जो प्रकोप है या कोरोना संक्रमण का हम ये कहेंगे जो कोरोना संक्रमण से जो दिक्कतें हैं वो इतनी ज्यादा नहीं हो रही हैं, उसको देखते हुए एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जो आपका 17 तारीख का सीटेट का एग्जाम है वो भी कराया गया है। अब आपका जो यूपी टेट का एग्जाम है 23 तारीख का, अभी वो भी कराया जाना है। हालांकि अभी बच्चों ने याचिका दायर की है, लेकिन अभी उस पर कोई फैसला नहीं है। अभी तक आपका एग्जाम कराया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी तरफ से जो लेटर भी जारी कर दिया गया है कि एग्जाम जो है कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एग्जाम कराया जाएगा। तो साथियों, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जो ऑड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं उनके एग्जाम फरवरी में कराए जाने तय हैं। और उसमें एग्जाम में हम आपको बता दें, उसके लिए जो यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर जारी किया है, अभी कल सर्कुलर जारी किया है, उसमें भी उसको मेंशन किया है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, पहली चीज। अब बच्चों का क्वेश्चन है कि सर एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। साथियों, जो एग्जाम है, एग्जाम आप अपना बिल्कुल मन बना लीजिएगा, आपके जो एग्जाम है ऑफलाइन ही कराएंगी यूनिवर्सिटी। बच्चों का जो मानना है, जो चीजें होनी चाहिए वो ऑनलाइन होनी चाहिए, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी के पास इतनी सुविधा या इतनी व्यवस्था हम कहें उस लेवल पर नहीं है, उसको देखते हुए आपके जो एग्जाम है यूनिवर्सिटी ऑफलाइन ही कराने वाली है। तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। कितने बच्चे चाहते हैं कि आपके एग्जाम ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, क्योंकि लास्ट ईयर जो LLB के कराए थे तो उसमें टाइपिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि इसमें जो आपका सब्जेक्टिव पेपर कराया गया था, अब सब्जेक्टिव में टाइपिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए इतनी इनके पास व्यवस्था नहीं है कि सभी पेपर जो है ऑनलाइन कराए जाए। तो आपको ये भी मन बनाना है कि आपका पेपर जो होगा वो जो चांसेस है 99% आपके वो ऑफलाइन ही कराया जाएगा। अब बच्चों का क्वेश्चन है कि सर फरवरी में तो चुनाव है, तो साथी चुनाव अपनी जगह है और आपका जो एग्जाम है वो अपनी जगह है, क्योंकि जो चुनाव में सेंटर बनते हैं, जो वोटिंग के लिए चुनाव के लिए जो आपके पोलिंग बूथ बनते हैं वो बनते हैं आपके इंटर कॉलेज वगैरह, तो उससे आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। आपके एग्जाम यदि फरवरी में चुनाव भी है तो उससे कोई मैटर नहीं है, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। अब बात करते हैं कि पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, कितने नंबर का पेपर आएगा और किस तरीके से आएगा। तो साथियों, को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो पेपर का फॉर्मेट है वो पेपर का फॉर्मेट आपका, जैसे टाइमिंग की बात हम करें तो टाइमिंग का जो हो सकता है पेपर ज्यादा शिफ्ट में कराने के लिए, ये वैसे क्लियर कर दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से भी। जैसे 3 घंटे का पेपर है, जैसे लास्ट ईयर कराया था, तो उसको आपका कितने में 1.5 घंटे में कराया जाएगा, और जो 2 घंटे का पेपर है उसको 1 घंटे में कराया जाएगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन है उनकी भी संख्या कम करी जाएगी, और उसके बाद में जो उनके क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं उनको डबल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से पेपर का फॉर्मेट रहने वाला है। इसके बाद में बात करें जो एनुअल एग्जाम होने वाले हैं, जिनके एनुअल एग्जाम है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो एनुअल एग्जाम के लिए आप तैयार रहिएगा। आपके जो एनुअल एग्जाम होंगे वो मार्च और अप्रैल में कराए जाएंगे, यानी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया गया उसमें भी दिया गया है, और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा जा रहा है तो उसमें भी आपका बिल्कुल क्लियर है कि आपके जो एग्जाम होंगे एनुअल एग्जाम वो मार्च और अप्रैल में कराए जाएंगे, उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो साथियों, आपकी क्या राय है एग्जाम को लेकर के, आपका जो व्यूज है वो क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात जरूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है वो हम तक पहुंचे और उसको हम आगे यूनिवर्सिटी तक फॉरवर्ड करें। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।